हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास सेवेंथ के इंग्लिश के सप्लीमेंट्री के चैप्टर फाइव गोलू ग्रोज़ अ नोज़ का हिंदी एक्सप्लेनेशन करेंगे। लॉन्ग लॉन्ग एगो द एलिफेंट हैड नो ट्रंक, मतलब बहुत समय पहले की बात है जब एलिफेंट के कोई ट्रंक नहीं होती थी। ही हैड ओनली अ बल्जी नोज़ एज बिग एज बूट, उनकी केवल बल्जी नोज़ होती थी जो कि जैसे हम लोग बूट पहनते हैं उस बूट के या जूतों के आकार की उनकी नोज़ होती, जैसे कि आपको ये पिक्चर में भी दिखेगा ये बल्जी नोज है इसकी। ही कुड विगल इट फ्रॉम साइड टू साइड बट कुडंट पिक अप थिंग्स विद इट, वो विगल मतलब हिला सकते थे नोज़ को साइड टू साइड लेकिन कोई भी चीज़ उसको पिक नहीं कर सकते थे नोज़ से। देयर वॉज अ बेबी एलिफेंट कॉल्ड गोलू, ही टू हैड नो ट्रंक बट ओनली अ बल्जी नोज एज स्मॉल एज अ स्मॉल बूट, और वहाँ पे एक छोटा बेबी एलिफेंट था जिसका नाम गोलू था, उसके भी कोई ट्रंक नहीं थी केवल एक बल्जी नोज थी और वो इतनी छोटी थी जैसे कि छोटा सा बूट होता है। गोलू वाज फुल ऑफ क्वेश्चंस, ही आस्क्ड हिज टॉल आंट द ऑस्ट्रिच व्हाई डोंट यू एवर फ्लाई लाइक अदर बर्ड्स, वो जो गोलू था वो हमेशा उसके पास बहुत सारे क्वेश्चंस होते थे और वो हमेशा पूछता था उसकी एक आंट थी जो कि ऑस्ट्रिच थी कि व्हाई डोंट यू एवर फ्लाई लाइक अदर बर्ड्स, कि तुम दूसरे बर्ड्स की तरह फ्लाई क्यों नहीं करते। देन ही आस्क्ड हिज टॉल अंकल द जिराफ व्हाट मेक्स योर स्किन सो स्पॉटी, ही आस्क्ड हिज ह्यूज अंकल द हिप्पोपोटामस व्हाई आर योर आईज ऑलवेज सो रेड, तो वो अपने जो टॉल अंकल हैं जिराफ उनसे पूछता था कि आपकी जो स्किन है वो इतनी स्पॉटी, जैसे जिराफ के में स्पॉट्स होते हैं ना स्किन में, तो उनसे पूछता है कि भाई आपकी स्किन इतनी स्पॉटी क्यों है। और उनका एक अंकल था बहुत मोटा सा विशाल सा हिप्पोपोटामस, उससे पूछता था कि आपकी आँखें हमेशा रेड क्यों रहती हैं। ही आस्क्ड हिज हेरी अंकल द बैबून व्हाई डू मेलन्स टेस्ट लाइक मेलन्स, और वो अपने अंकल जिसके बहुत सारे बाल होते हैं बैबून एक एनिमल होता है उससे पूछता था कि ये बताओ कि मेलन का टेस्ट मेलन क्या होता है, जैसे वाटर मेलन मस्क मेलन होते हैं तो मेलन्स का टेस्ट जो है वो मेलन की तरह ही क्यों होता है। द ऑस्ट्रिच द जिराफ द हिप्पोपोटामस एंड द बैबून हैड नो आंसर्स टू गोलूज क्वेश्चंस, गोलू इज़ अ नॉटी बेबी दे सेड ही आस्क सच डिफिकल्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रिच जिराफ हिप्पोपोटामस और बेबून के पास गोलू के क्वेश्चंस का कोई आंसर नहीं होता था तो वो कहते हैं कि बहुत ही शैतान बच्चा है गोलू और वो वाकई में बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछता है। वन डे गोलू मेट द मैना बर्ड सिटिंग इन द मिडिल ऑफ अ बुश एंड ही आस्क्ड हर व्हाट डज द क्रोकोडाइल हैव फॉर डिनर, द मैना सेड गो टू द बैंक्स ऑफ द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर एंड फाइंड आउट, एक दिन गोलू जो है एक मैना बर्ड से मिलता है जो कि बैठी हुई थी बुश में, बुश माने झाड़ियों के बीच में बैठी हुई थी, वो उससे पूछता है कि ये बताओ कि जो क्रोकोडाइल है वो अपने डिनर में क्या खाते हैं, तो मैना कहती है कि जाओ लिम्पोपो रिवर के पास जाओ जो कि ग्रासी है जहाँ पे बहुत सारी घास है वहाँ जाओ उसके किनारे बैंक ऑफ द ग्रेट मतलब बैंक मतलब तो किनारा लिम्पोपो रिवर के किनारे जाओ और पता लगा लो कि क्रोकोडाइल क्या खाते हैं। गोलू वेंट होम, ही टुक 100 शुगर केन्स 50 डोजन बनानास एंड 25 मेलन्स, देन ही सेड टू हिज फैमिली गुड बाय आई एम गोइंग टू द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर आई विल फाइंड आउट व्हाट द क्रोकोडाइल हैज़ फॉर डिनर, ही हैड नेवर सीन अ क्रोकोडाइल एंड डिडंट नो व्हाट वन लुक्ड लाइक। फिर गोलू क्या करता है, घर आता है और बहुत सारे शुगर केन मतलब 100 मतलब 100 के लगभग शुगर केन्स लेता है, 50 डजन बनाना लेता है और 25 मेलन्स लेकर वो अपनी फैमिली को कहता है भाई गुड बाय मैं तो जा रहा हूँ लिम्पोपो रिवर में ये पता लगाने के लिए कि क्रोकोडाइल अपने डिनर में क्या खाते हैं, क्योंकि उसने उससे पहले कभी कोई क्रोकोडाइल नहीं देखे थे और वो ये नहीं जानता था कि क्रोकोडाइल दिखते कैसे हैं। ही मेट अ पाइथन एंड आस्क्ड हिम हैव यू एवर सीन अ क्रोकोडाइल व्हाट डज ही लुक लाइक व्हाट डज ही हैव फॉर डिनर, फिर उसे रास्ते में एक पाइथन मिलता है वो उससे पूछता है कि क्या तुमने कभी किसी क्रोकोडाइल को देखा है और वो दिखते कैसे हैं और वो डिनर में क्या खाते हैं, ये सारी बातें वो पाइथन से पूछता है। द पाइथन अनकॉइल्ड हिमसेल्फ फ्रॉम द ब्रांच ऑफ अ ट्री बट सेड नथिंग, गोलू पोलाइटली हेल्प्ड हिम टू कॉइल अराउंड द ब्रांच अगेन एंड सेड गुड बाय टू हिम, पाइथन जो है अनकॉइल्ड करता जो क्योंकि पाइथन क्या होता है एक बड़ा सा सांप होता है ना जो अपनी कुंडली बनाकर रहता है, तो वो पेड़ की ब्रांच पे कुंडली बनाकर बैठा हुआ था तो जब वो उससे क्वेश्चन पूछता तो अपने आप को अनकॉइल्ड करता है लेकिन उसे कुछ कहता नहीं है, तो गोलू क्या करता है धीरे से उसको फिर से कॉइल कर देता है यानी उसको फिर से कुंडली मार देता है उसके ब्रांच पे और गुड बाय करके चला जाता है। गोलू मूव्ड ऑन ईटिंग सुगर केन्स बनानास एंड मेलन्स, आफ्टर अ फ्यू डेज ही रीच द वेरी एज ऑफ द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर, ऑन द बैंक ऑफ द रिवर ही सॉ अ लॉग ऑफ वुड,
गोलू जो है वो आगे बढ़ जाता है, वो फिर शुगर केन खाता है, बनाना खाता है, मेलन्स खाता है और कुछ दिन बाद वो उस ग्रासी लिम्पोपो रिवर के किनारे पर पहुंच जाता है। और वो वहाँ देखता है कि नदी के किनारे एक बहुत बड़ा लॉग ऑफ वुड का मतलब होता है लट्ठा होता है ना, जैसे ट्रंक होता है लकड़ी का बड़ा सा लट्ठा सा लॉग रखा हुआ था। इट वॉज रियली द क्रोकोडाइल हु विंक्ड एट हिम। एक्सक्यूज मी सेड गोलू, हैव यू एवर सीन अ क्रोकोडाइल। और वो जो जिसे वो लॉग ऑफ वुड समझ जाता वो वाकई में क्या था, क्रोकोडाइल था। और जो विंक्ड, विंक्ड का मतलब होता है फटाफट आँखें झपकाते हैं और उसको किसी को घूरना होता है एक आँख बंद करके, जैसे क्रोकोडाइल की आईज होती है ना, वो बार बार पलक खुलती हैं बंद होती हैं। तो वाकई में वो क्रोकोडाइल होता है जो कि गोलू को घूर रहा होता है। और वो गोलू से कहता है, एक्सक्यूज मी, क्या तुमने कभी किसी क्रोकोडाइल को देखा है। द क्रोकोडाइल विंक्ड अगेन एंड लिफ्टेड हाफ हिज टेल आउट ऑफ द मड। कम हेयर लिटिल वन, सेड द क्रोकोडाइल, व्हाई डू यू आस्क सच क्वेश्चंस। क्रोकोडाइल जो है फिर से विंक करता है और अपनी टेल को मड से ऊपर आधा उठाता है और कहता है, इधर आओ छोटे बच्चे, तुम ये क्वेश्चन जो है वो क्यों पूछना चाहते हो। I want to know. Come close, little one, for I am the crocodile. And he shed crocodile tears to show it was quite true. तो वो कहता है, गोलू कहता है, मैं जानना चाहता हूँ। तो क्रोकोडाइल बोलता है उसको कि मेरे पास आओ छोटे बच्चे, और अपने क्रोकोडाइल टीयर्स जो है वो शेड करता है, जैसे कहा जाता है ना मगरमच्छी आंसू, वो दिखाने के लिए कि ये बिल्कुल सही बात है। गोलू वॉज अफ्रेड बट ही सैट डाउन ऑन द बैंक एंड सैड, You are the very person I was looking for. Please tell me what you have for dinner. तो गोलू जो है वो डर रहा होता है, लेकिन फिर भी वो नदी के किनारे बैठ जाता है और वो कहता है कि तुम ही वो आदमी हो जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ। Please tell me. तो मुझे बताओ कि तुम अपने डिनर में क्या खाते हो। Come here, little one, and I'll whisper the answer to you, said the crocodile. वो कहता है, यहाँ आओ छोटे बच्चे, और विस्पर का मतलब वो धीरे से बोलना, मैं तुम्हारे ये जो आंसर है तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर, मैं तुम्हारे कान में जो उसका आंसर दूंगा। गोलू पुट हिज हेड डाउन क्लोज टू द क्रोकोडाइल स्नाउट एंड द क्रोकोडाइल कॉट हिम बाय द नोज। गोलू जो है वो अपना हेड नीचे करता है ताकि उसकी बात को सुन सके, और क्रोकोडाइल के स्नाउट, स्नाउट क्या होता है, जो क्रोकोडाइल का मुंह होता है, जैसे कि आपको ये पिक्चर में भी दिख रहा होगा, ये होता है स्नाउट। तो जैसे ही क्रोको वो अपना अपना जो हेड है उसके स्नाउट के पास लाता है, तो क्रोकोडाइल क्या करता है, उसकी नाक को पकड़ लेता है। आई थिंक, सेड द क्रोकोडाइल, टुडे आ बेबी एलिफेंट विल बी माई डिनर। वो कहता है कि, क्रोकोडाइल कहता है कि मुझे लगता है कि आज बेबी एलिफेंट जो है वो मेरा डिनर बनेगा। लेट मी गो, यू आर हर्टिंग मी, मिस्टर क्रोकोडाइल, स्क्रीम द गोलू। गोलू चिल्लाता है कि मुझे जाने दो, तुम मुझे हर्ट कर रहे हो, मुझे चोट लग रही है, दर्द हो रहा है। द पाइथन हु हैड बीन क्वाइटली फॉलोइंग गोलू केम टू द बैंक एंड सैड, इफ़ यू डू नॉट पुल एज हार्ड एज यू कैन द क्रोकोडाइल विल ड्रैग यू इन टू द स्ट्रीम। तभी जो है पाइथन जो कि धीरे से उसके पीछे पीछे आ रहा होता है, गोलू से कहता है, किनारे आके नदी के किनारे आके गोलू से कहता है कि अगर तुम हार्डली इसको पुश नहीं करोगे, मतलब कि जितनी ताकत लगा सकते हो उसको अपनी जो तुम्हारी जो नोज़ है उसको खींचो, नहीं तो क्रोकोडाइल जो है तुम्हें नदी में खींच के ले जाएगा। गोलू सेट बैक ऑन हिज लिटिल हॉन्चेस एंड पुल्ड एंड पुल्ड। हॉन्चेस होता है जो अपना जो बैक होता है हिप साइड पे, उस पे बैठ जाता है और बहुत ताकत लगाता है अपने आप को पुल करने की, क्योंकि उसने क्या कर लिया था, अपने मुंह से उसको नोज़ को पकड़ रखा था। द क्रोकोडाइल स्लिप्ड इनटू द वाटर मेकिंग इट ऑल क्रीमी विद ग्रेट स्वीप्स ऑफ हिज टेल एंड ही ऑल्सो पुल्ड एंड पुल्ड। इधर क्या हो रहा था, इधर से गोलू खींच रहा था, उधर से क्रोकोडाइल जो है वो स्ट्रीम में उसको खींच रहा था, वो बहुत ताकत लगा रहा था अपनी टेल को मड में डाल के, और उसमें जिससे वो क्रीपी सा हो गया था, चिकनी हो गई थी वो। देन द पाइथन कॉइल हिमसेल्फ राउंड गोलू स्टमक एंड सेट, लेट्स पुल हार्डर। तभी क्या करता है पाइथन जो होता है वो गोलू के पेट पे कुंडली मार लेता है, जो सांप जो कुंडली राउंड बना लेते हैं ना, कुंडली सी, वो बना के उसके पेट पे, और उसे कहता है कि तुम जोर से खींचो। गोलू डग इन ऑल हिज फोर लेग्स इन द मड एंड पुल। तो गोलू क्या करता है अपने चारों पैरों को मड पे मतलब गाड़ देता है ताकि वो अच्छे से उसमें फिसले ना, और खींचने लगता है। द नोज़ कैप्ट ऑन स्ट्रेचिंग एट ईच पुल, द नोज़ ग्रू लॉन्गर एंड इट हर्ट गोलू। द नोज़ वॉज नाउ 5 feet लॉन्ग बट इट वॉज फ्री एट लास्ट। इधर क्या होता है, गोलू भी नाक खींच रहा होता है और उधर से क्रोकोडाइल उसको खींच रहा था, इससे उसकी नाक जो है वो लंबी होती जाती है और लगभग 5 feet लंबी हो जाती है, और लास्ट में वो फ्री हो जाता है। गोलू सेट डाउन विद हिज नोज रैप्ड अप इन अ बिग बनाना लीफ एंड हंग इट इन द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर टू कूल। फिर गोलू क्या करता है, नीचे बैठ जाता है और अपनी नाक को एक बड़े से बनाना लीफ से रैप करता है और अपनी
सूंड को, जो उसकी ट्रंक होती है, उसको लिम्पोपो रिवर पे ठंडा होने के लिए, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा क्या हो रहा था, जब खींचा तानी में उसकी सूंड में दर्द हो रहा था, तो जलन हो रही थी, उसको ठंडा करने के लिए अपनी सूंड को पानी में डाल देता है। गोलू सेट देयर फॉर 2 डेज वेटिंग फॉर हिज नोज टू कूल एंड टू श्रिंक। इट ग्रू कूल बट इट डिडंट श्रिंक। गोलू जो है वहाँ 2 दिन तक रुकता है, अपनी नोज को ठंडा करता है, और वो सोचता है कि श्रिंक हो जाएगी, मतलब जो लंबी हो गई थी वो छोटी हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसकी मतलब ट्रंक ठंडी तो हुई, लेकिन वो श्रिंक नहीं हुई, छोटी नहीं हुई। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे अ फ्लाई केम एंड स्टंग गोलू ऑन द शोल्डर। गोलू लिफ्टेड हिज लॉन्ग नोज एंड विद इट हिट द फ्लाई डेड। दूसरे दिन जब ख़त्म होने वाला था, तो एक जो फ्लाई थी उसने गोलू के शोल्डर पे स्टंग किया, काटा, तो गोलू ने अपनी नोज को उठाया और उस फ्लाई को मार दिया। एडवांटेज नंबर 1, हिज द पाइथन। जो हिस्ट साउंड होती है, सांपों की जो साउंड होती है उसको हिस्ट कहते हैं, तो पाइथन ने हिस्ट किया और बोला कि ये देखो एडवांटेज नंबर 1 है आपकी ट्रंक का। यू कुडंट हैव डन इट विद अ स्मॉल नोज, ट्राई एंड ईट अ लिटिल नाउ। कहता है देखो तुम अपनी छोटी सी नोज से ये सब नहीं कर सकते थे, अब तुम कुछ खाने की कोशिश करो। गोलू पुट आउट हिज ट्रंक एंड प्लग्ड अ लार्ज बंडल ऑफ ग्रास। ही डस्टेड इट अगेंस्ट हिज फोर लेग्स एंड स्टफ्ड इट इनटू हिज माउथ। गोलू ने क्या करा, अपनी नोज को, अपनी जो उसकी ट्रंक थी उसको उठाया और एक बड़ा सा ग्रास का बंडल जो है उसने उखाड़ा और उसे धूल झाड़ी और उसने अपने मुंह में डाल दिया। एडवांटेज नंबर 2, हिस द पाइथन। यू कुडंट हैव डन इट विद अ स्मॉल नोज, डोंट यू थिंक द सन इज़ टू हॉट नाउ। तो वो जो पाइथन होता है फिर से कहता है, देखो ये एडवांटेज नंबर 2, तो अपनी छोटी सी नाक से सब नहीं कर सकते थे, तो मैं नहीं लगता कि आज बहुत ज़्यादा गर्मी है। गोलू स्कूप्ड अप सम मड फ्रॉम द बैंक एंड स्लैब्ड इट ऑन हिज हेड। गोलू ने क्या करा, स्कूप, जैसे हम आइसक्रीम का स्कूप बनाते हैं ना, वैसे ही गोलू ने अपने ट्रंक से कुछ जो मिट्टी थी वहाँ पे, गीली मिट्टी नदी के किनारे, उसमें से उठाया अपनी सूंड से और अपने सर पे मल लिया, क्योंकि गर्मी हो रही थी तो वो ठंडक देती वो मिट्टी जो थी। एडवांटेज नंबर 3, हिज द पाइथन। यू कुडंट हैव डन इट विद अ स्मॉल नोज। फिर उसे पाइथन कहता है कि देखो ये एडवांटेज नंबर 3 है, तुम ये अपनी स्मॉल नोज से नहीं कर सकते थे। थैंक यू मिस्टर पाइथन, सेड गोलू ग्रेटफुली, आई विल रिमेंबर ऑल दिस एंड नाउ आई विल गो बैक टू माय फैमिली। तो पाइथन जो गोलू होता है वो आभार जताता है पाइथन का, उसको थैंक यू बोलता है और वो कहता है कि मैं सारी बातें याद रखूँगा और अब मैं जा रहा हूँ अपनी फैमिली के पास। तो ये था एक्सप्लेनेशन आपके चैप्टर का, और इसके जो राइटर थे वो कौन है, रुडयार्ड किपलिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।